9 महीने की बेला हो चुकी है, ऑलमोस्ट 9 महीने की हो रही है वो। तो हमने पहले से उसे रोटी दाल चावल खाने की आदत डाली है, तो बाहर जैसे खाना वाला रहता, भूखा नहीं रहता, वहाँ से रोटी पतली फीकी दाल मिल जाती थी वो खाती थी वो। उसके अलावा इडली वो खाती थी, उत्तपम खाती थी कभी कभार, मतलब बिना नमक मिर्ची वाली चीज़ें जितनी हैं, डोसा हो गया पतला वो खाती थी। ये सब चीज़ें खा के उसने सर्वाइव किया, मतलब पूरा रोड ट्रिप। वेदा के लिए मैंने क्या क्या लाया है, सबसे पहले तो मैंने ये कैरी किया है वाटर गर्म, पानी गर्म करने का। इसके अंदर खाना बन जाता है, ओट्स बन जाते, दलिया बन जाता, उपमा बन जाता और काफ़ी चीज़ें आप बना सकते हो। गर्म पानी उबालो और डालो। थर्मास रखा था जिसका यूज़ मुझे नहीं हुआ है ज़्यादा। छोटी छोटी ये एक छोटी गंजी रखी थी और ये डब्बे रखे थे छोटे वाले लॉक वाले, इस टाइप के छोटे वाले, ताकि मैं वेदा का फूड जो है वो लेके जा सकूँ। और स्पून्स रखे थे। एक चाकू रखा था जिसका यूज़ मुझे नहीं आया। मुझे स्पून यूज़ आया, डब्बा यूज़ आया, ये यूज़ आया, प्लेट यूज़ आई है और ये यूज़ में आया है। उसके अलावा मैंने रखा था नमक, घी, क्योंकि वेदा अपने खाने के साथ घी पसंद करती है, मतलब घी डाल दो तो वो खाना खा लेती है। उसके अलावा मैंने रखा था ये सब मसाले मिक्स करके रखे थे एक पैकेट में। उसके अलावा ये रहा दलिया, दलिया को अच्छे से रोस्ट करके महीन सा पीस लिया था बारीक। उसके अलावा रवा, इसको भी अच्छे से रोस्ट करके थोड़ा बारीक पीस लिया था मैंने। नेक्स्ट इज ये है ओट्स, इसको भी मैंने रोस्ट करके पीस लिया। डेट्स वेदा तो खाती थी पर हम भी बीच में खाए, वेदा को मीठा पसंद है, अगर कुछ ना खाए तो मीठे के साथ वो हर चीज़ खा लेती है। उसके बाद हमने रखा था ये है दालवा जो आता है ना पुटाने, उसके छिलके निकाल के जो दाल आती है ना उसको रोस्ट करके पीस के रखा था। ये मैंने बनाया नहीं क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कहीं उसका पेट ना ख़राब हो जाए। और ये नाचनी का आटा रोस्ट करके रखा था सेफर साइड, क्योंकि अगर वेदा को कॉन्स्टिपेशन हो तो उसे नाचनी का आटा सूट करता है, शायद ये फूट भी गया है। तो ये रही वेदा की पैकिंग। अब ये सब क्लीन करने के लिए मैंने स्क्रबर बॉटल को साफ करने वाला और विम बार रखा था। इसमें से मुझे हर चीज़ में यूज़ आ गई है 10 दिन के हिसाब से, सिर्फ यूज़ नहीं आया जो मुझे ये बॉटल यूज़ में नहीं आई, क्योंकि मुझे वेदा को दूध कहीं मिला ही नहीं, गाय का दूध लाना था जो कभी मिला नहीं, और ये सब क्लीन करके रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने सो चीज़ें मतलब ईजी वाली चीज़ें ही करी हैं। और खाने में मैंने बनाया है ओट्स, उसके अंदर मैंने डाला है डेट्स और इलायची का पाउडर। अब वेदा के